हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज सुबह के बज चुके हैं 9:30। और गाइस, जैसे कि हम उठ चुके हैं और आज मैं पार्क नहीं गई थी क्योंकि जस्ट बिकॉज जय ने फोन ही नहीं करा और मेरी भी आँख नहीं खुली आज, तो इसलिए आज हम पार्क नहीं जा पाए। सो इसलिए आज मैं व्लॉग भी शूट कर पाई सुबह सुबह। और मैं तो अभी उठी हूँ और हिमांशु अपने पढ़ने बैठ गया, उठते ही नहा धो के ये देखो सब चल रही पढ़ाई। छोटे बच्चों का यार कितना मस्त होता है ना, अपने उठते हैं पढ़ते हैं लिखते हैं, और हम जैसों का यार कुछ पता ही नहीं है क्या पढ़े क्या छोड़ दे रहे हैं। चलो कोई नहीं, सारी बातें होती रहेंगी। अभी फिलहाल के लिए हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद सारी बातें कंटिन्यू करेंगी। ठीक है, तो चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करें। चुका है और मेरी नींद नहीं जा रही, पता नहीं क्या हो रहा है। जब से कल से मैं भीगी हूँ ना बारिश में, तब से ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि मतलब बहुत फीलिंग आती है, पता नहीं क्यों। तो वो तो चलो चलता रहेगा साइड बाय साइड, बट अब हमें इम्पोर्टेंट, आज मुझे बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम है। पता नहीं आज मुझे ना अपना जो दूसरा चैनल मैंने स्टार्ट करने के लिए सोचा है, तो मैं वो सोच रही हूँ कि मैं फ्लिपकार्ट स्टार्ट कर लूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे कॉमेंट्स करे थे, मतलब मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो मुझे जानते पहचानते हैं, वो चाहते हैं कि मैं डांसिंग का चैनल खोलूँ और मैंने ब्लॉगिंग चैनल खोली। आप लोगों को पता है मैंने ब्लॉगिंग चैनल क्यों ओपन करा था, जस्ट बिकॉज पर आप लोगों की एल बी शादी की ब्लॉगिंग मुझे बहुत पसंद है और उनसे मिलना चाहती हूँ। पर्सनली मेरे को मिलना है, और वैसे भी वो कोई दूर नहीं है मेरे से, मैं चाहूँ तो उनसे आज भी मिल सकती हूँ। बट ये बात है कि बात वो हो जाती है कि आप जब तक कोई आइडेंटिटी नहीं है तो मिलने में कंफर्टेबल फील नहीं होता ना। सो मैं चाहती हूँ पहले मैं अपनी आइडेंटिटी बना लूँ, उसके बाद उनसे फिर मिलेंगे। ठीक है, तो इसके मतलब हम सोच रहे हैं। तो आज मैंने सोचा है कि मैं अपना जो सेकेंड चैनल है वो ओपन करूँ, वो देखूँगी सेकंड चैनल ओपन करूँ, या फिर जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वर्षा8921 वाली, उसी पे मैं कुछ मतलब अच्छी अच्छी रील्स बना के अपलोड करूँ। क्योंकि देखो कुछ ऐसा मतलब मैं अपने बेसिकली अपने जो पैशन है ना, मैं उसको अपने बाहर निकालना चाहती हूँ। अब बस एक ही चीज़ समझ आई, क्योंकि ना मैं 10 घंटे कह रही हूँ, सॉरी मैं 1 घंटा बैठ के पढ़ नहीं सकती कॉन्टीन्यूसली, बट हाँ मैं 2 घंटे कॉन्टीन्यूसली डांस कर सकती हूँ। तो ऑब्वियसली वो मेरा पैशन हुआ है ना। तो मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा अपने पैशन पे भी फोकस कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं पढ़ तो पाती नहीं हूँ, पैशन भी फॉलो कर लिया जाए है ना। तो इससे मैंने सोचा है, देखती हूँ या तो यूट्यूब पे अपना चैनल ही दूसरा बनाऊँगी या फिर इंस्टाग्राम पे रील बनाऊँगी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, देखेंगे। और आज मुझे बहुत सारे काम है गाइज, अभी मतलब ब्रेकफास्ट हो चुका, अभी मैं जाके मेरे कॉपीराइट आ जाएगा, वैसे ही आते रहते हैं। तो अभी जाके मुझे रेडी होना है क्योंकि हमें जाना है बाहर, क्योंकि आज मुझे कुछ काम है, मार्केट जाना है, मार्केट में काम की वजह से। अभी मार्केट चलेंगे, अभी मैं रेडी हो जाती हूँ फटाफट से, तो देन मिलते हैं फिर रेडी होने के बाद। ओके, चलो जल्दी से रेडी होने चलते हैं। गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ निकलने के लिए, बट एक प्रॉब्लम हो गई है। अभी हिमांशु ने बताया कि बारिश आ गई है, एंड देन मुझे अपना ये मतलब घाघरी एंड ऑल चेंज करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज अगर मैं ऐसी गई तो फिर ऐसे वापस नहीं आ पाऊँगी। इसलिए अभी मैं चेंज करती हूँ ड्रेस, अब देखती हूँ क्या पहनूंगी, जीन्स टॉप भी पहनना पड़ेगा कोई। बारिश होना ज़रूरी था, अब मेरे को ये चेंज करना पड़ेगा अपना ये टायर। तो चलो अभी फटाफट चेंज करती हूँ, फिर दिखाती हूँ क्या पहना है मैंने। ठीक है, फाइनली तो मैंने ये लुक डिसाइड किया है, ब्लैक पैंट रेड टॉप। ये इसलिए, और शूज़ पहने शूज़ इसलिए पहने जस्ट बिकॉज अगर बारिश हो गई और कीचड़ हुआ तो मेरी पैंट गंदी ना हो, दैट्स वाई। तो ये शूज़ तो सुबह मॉर्निंग वाले शूज़ है, जो मॉर्निंग में मैं रनिंग पे जाती हूँ तो वही पहनते रहते हैं। आज तो जा भी नहीं पाया, अरे चाहिए टाइम से नहीं उठती गाइस, क्या करूँ मैं इसका। आप कुछ बता सकते हो कि ऐसे लेजी बच्चों का क्या किया जाए। मानना कि यार अब डूबती नहीं है, हमसे अपनी कश्ती बाहर निकाल लेती है, आई नो, बट फिर भी यार हमें जाना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमने वैसे भी एक ऑल सेट करा हुआ है एटलीस्ट 1 मंथ का, तो एटलीस्ट वो तो कंप्लीट करना चाहिए ना यार। बहुत गुस्सा आती है मुझे उस पर, बट मैं कुछ कहती नहीं हूँ, मैंने गुस्सा में छोड़ दिया, जो हो रहा है ठीक है मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ, मैं किसी को। तो चलो अब फटाफट से रेडी हो गए हैं, तो अब निकलते हैं। मम्मी रोटी बना रही है बाहर, क्योंकि हिमांशु घर पर रहेगा, लंच करेगा। मम्मी रोटी बना रही, फिर अब निकलते हैं हम फटाफट से थोड़ी सी देर में। ठीक है, चलो जल्दी से निकलते हैं। छतरी ले लिया बिकॉज बारिश आ गई, मोबाइल देख रही हो?
गाइस एक सेकंड रुक जाओ, अभी दादी बुला रही थी, पूछ रही है आ जा रही है। तो ये मौसम नाच मारी, अरे 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 यहाँ छत्ता है गाइस, ये तो मैंने दिखाया ही नहीं आपको, छत्ता है एक बार आने का। गाइस मैं ट्यूशन के बच्चे, रिमेम्बर होगा आपको जब आए करते हम जा रहे बाहर, ये मुझे मिल गया बाहर बाहर घूमने के लिए। गाइस हम निकल लिए, माँ जी के क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन करती है यार, फाइनली निकल गए हम। और मौसम देखो बहुत अच्छा मस्त सा घूमने वाला मौसम हो रहा है, अभी दिखाते हैं। हाँ तो हम गाइस से निकल लिए और हम जा रहे हैं मार्केट। अरे चलो मेरी मम्मी का सबसे इम्पोर्टेंट काम कूड़ा फेंकने का हो गया फाइनली। अब मम्मी जा रही है, लड़ने लगी मम्मी ने, कह रही कूड़ा वाली गाड़ी कर क्यों ना ले काम हमारे है मम्मी, लड़ने लगी। गाइस मेरी अंगूठी घर रहेगी यार, क्या करूँ क्या छोड़ो, हम मार्केट में मिलते हैं ठीक है। गाइस फाइनली हमने ये ले लिया कपड़े जिसे लेने हम आए थे, सो वो हमने ले लिए हैं। मार्केट को गंदी धूप होगी गाइस, ये तो मुझे देख रहे होंगे, तो कपड़े ले लिए फाइनली हमने। और अब चल रहे हैं अपने सोचा गोलगप्पे खा लेते, बहुत दिन हो गए तो गोलगप्पे देख लो, पट हो गया गाइस नहीं खा रहे हम गोलगप्पे, 20 के 5 दे रहा बताओ, वहाँ पे 10 के 4 देता है, 20 के 5 दे रहा बताओ यार, ऐसे करता कोई। सोच रहे पी लेते हैं एक गिलास स्ट्रॉबेरी का, रुक जाओ देखते हैं, ये तो हम जरूर पीएंगे प्लीज। अब पी गाइस आज हमारे फेवरेट कोई भी फ्लेवर कुछ नहीं मिल रहा है, इतनी हंसी आ रही है मेरे को। आप भी सोच रहे हो क्या नौटंकी कर रही है, पहले गोलगप्पे और अब ये ड्रिंक, कुछ भी नहीं मिला तो अब घर चल रहे हैं। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अब जाके सीधा हम लंच करेंगे ठीक है। इस हमें तो कुछ मिला नहीं, मानशु ने ऑर्डर दिए थे समोसे के लिए, तो हम समोसे लेके जा रहे हैं उसके लिए, समोसे थोड़ा बहुत देख लूँगी टेस्ट कर लूँगी और क्या। अभी घर जा रहे हैं, भूख लग रही है, जाकर लंच करती हूँ यार बहुत ज़्यादा। मम्मी आ रही है पीछे पीछे चलते हुए, देख रहा ओल्ड। यहाँ पे मैंने अपना कंप्यूटर क्लास किया था कंप्लीट, पता आप लोग कंप्यूटर क्लास में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एडवांस एक्सेल किया था हमने, यहाँ से पीछे से ही पीछे दिख रहा है ना इंस्टीट्यूट, हाँ जिसकी कोई वैल्यू नहीं और सब भूल गई मैं अब। चलो कोई नहीं, हम आ गए हैं वापस अपने घर आके और अब हम जा रहे हैं, अब खाएंगे कुछ खाना पीना, लंच बना के जाइए जो रोटी सब्जी खाएंगे। गाइस फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और अब हम करते हैं लंच और उसके बाद करेंगे ब्लॉग को एंड ठीक है। चलो जल्दी से लंच कर लेते हैं, लंच हो चुका है। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आज का ब्लॉग आप लोग कैसा लगा। और ऐसी ब्लॉग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।